नहीं वो स्पेकुलेशन जारी रहेगा बट ऑफकोर्स एक अलग स्टोरी है अलग कैरेक्टर्स भी आएंगे इस फिल्म में हम आपको बार बार वही नहीं देना चाहते जो आप पहले देख चुके हैं तो बहुत ही नई चीज़ें आएंगी और बहुत ही धमाकेदार बट डोंट वरी दबंग दबंग ही रहेगा और बहुत ही मज़ेदार रहेगा हाँ जी वो एक वो एलिमेंट हो था ही हमारे फिल्मों में दबंग के सीरीज में जहाँ पर एक आर्टिस्ट आते हैं और यू नो दे डू द सॉन्ग फॉर द फिल्म सो आई थिंक यहाँ भी इट बी लॉट ऑफ फन और क्योंकि ये बार मुन्नी नहीं है मुन्ना है आई थिंक और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा एक लास्ट पक्का प्रॉमिस फिर आप मुझे जाने दोगे हाँ दर्शकों के मन में आप हमेशा रहेंगे ऐसे कभी नहीं जा पाएंगे थैंक यू वाह आपको डायलॉग राइटर होना चाहिए था द गोल्डन कलर सोना कलर इज ऑलवेज फेवरेट फॉर यू यू ट्राई टू इमर्व इट क्योंकि हमने कई बार देखा आपको इस कलर में जी क्योंकि मैं हुई असली सोना इस लुक को कैसे क्रिएट किया गया और क्या डिजाइन था ये हेयर का वेल ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है इसे फ्रेंच कैरमल वेव्स कहते हैं और हमारे बहुत ही टैलेंटेड हेयर स्टाइलिस्ट आए हैं स्वीडन से जोआकिम रूस जिन्होंने ये हेयर स्टाइल दिया है मुझे हम चाहते थे कि कुछ अलग करें ना कि जो यू नो मैं हमेशा करती आती हूँ क्योंकि रेट्रो रिमिक्स थीम था तो वी कुड प्ले अराउंड अ लॉट और उन्होंने मुझे ये आज फो बॉब दिया है डोंट वरी मैंने बाल नहीं काटे हैं नहीं नहीं मैंने बाल नहीं काटे तो ये इसे ही क्रिएटिविटी कहते हैं राइट तो बिना बाल काटे उन्होंने मुझे छोटे बाल दे दिए सो आई थिंक दैट्स ग्रेट I really love Rekha Ji's role in Khoon Bhari Maang and I think she had tried out also all the most amazing styles and she looked phenomenal in that film. I think that if that film was to be remade today, I would love to be a part of it. And a song, we've seen you in remixes. I've been, which one? It's Friday. Thank God it's Friday, yeah. Mungra, yeah. So still there's any other song that you'd like to be a part of? There's a lot, yeah, actually, but right now nothing is coming to my mind. Let me think. By the end of the interview, I'll give you an answer. Yeah. Okay, right. So, many abhinetriyan rahi hain, Marlon Brando aur Audrey Hepburn. Nikal aage ke samay mein aapko bhi yaad kiya jayega is tarah se. मतलब मैं अभी रिटायर हो सकती हूँ आपने इतनी बड़ी बात कह दी बट आई होप सो कोशिश तो यही है कि हम अच्छा काम करें एंड लोग जितने लोग देखते हैं हमारे काम को वो उसे अप्रिशिएट करें और मैं अपने अपने काम के लिए ही जाना चाहती हूँ तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट अगर मैं उस लीग में कभी आ जाऊँ